बिग बिग चॉकलेट। और ये बहुत ही स्पेशल चॉकलेट है जो मैंने काफी टाइम से छुपा के रखी थी, आज मेरे हाथ लगी है और मैं आज इसका कुछ नया चॉकलेट शेक बनाने जा रही हूँ। मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया, थोड़ा सा टेस्ट तो बनता ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बाइट खा के देखूंगी कैसी है टेस्ट में। तो इतनी बड़ी है, इसके इतने सारे पीसेस हैं, वन मैं खाने जा रही हूँ। वाओ, इट्स वेरी वेरी यम्मी टेस्टी। तो इसके ये चॉकलेट शेक्स बनाने जा रही हूँ, वो कैसी बनेगी चलिए देखते हैं। मैंने सारे के सारे चूरा कर लिया है और चूरा करने के बाद, अरे ये केक, इसका कुछ आइडिया करते हैं। तो इसको इस चॉकलेट्स में डालते हैं जिससे कि थोड़ा क्रंची हो सकता है और यम्मी भी होगा। तो मैंने इसको फोड़ के इसमें दोनों को चॉकलेट्स और ये जो आइसक्रीम मोल्ड है जिस शेप की जिसमें डालेंगे वैसे ही ये आइसक्रीम चॉकलेट हमारी निकल आएगी। मैंने उसमें इस तरीके से भर लूँगी और इसको भी चूरा चूरा करके एक साथ दोनों को मिक्स करके डालूँगी चॉकलेट्स को, और इसका केक का भी चूरा चूरा कर लिया है। डाल देती हूँ, भर लेती हूँ, अच्छी तरह फिल कर लीजिए। एक आध खाली भी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो मेल्ट करके डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही भर के रख रही हूँ माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकंड के लिए, चलिए 50 कर देती हूँ। अब ये हो रहा है, हो चुका है, ये खूब ढीला ढीला पतला पतला हो गया। मैं इसको सेट कर लेती हूँ, सेट भी हो गया है। चॉकलेट के सेव करने की वजह से थोड़ा सा अच्छी तरह सेट करने में एक दो खाली हो गए हमारे, क्योंकि कुछ खाली हो रहे थे तो मैंने एक दूसरे से ट्रांसफर कर दिया। इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया। अब ये बन गई है हमारी चॉकलेट, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन गई हैं। अब मैं इसको खाऊंगी, पहले मम्मी अच्छे से निकाल दें। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस तरीके से आप भी शेप्स चॉकलेट्स बना सकते हो। तो देखते हैं टेस्टी है या अनटेस्टी, कैसी है यम्मी या कैसी लगती है। मैं तो खाने जा रही हूँ चॉकलेट। आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो किया ही होगा तभी आपको मेरा वीडियो देखने को मिल रहा है। गाइस आपको पता है यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो नहीं मिलेगा। मम्मा को हम लोग जरूर टेस्ट कराते हैं क्योंकि उन्हें चॉकलेट कम पसंद है। हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, नई चॉकलेट लाते हैं, मम्मी को तो पसंद आ गई और हम लोगों का तो ये चैलेंज भी बन गया और चॉकलेट खाने को मिल गई। बाय बाय।